भादो शुक्ल पक्ष तृतीया तीज का पंचांग है ना। बिहार प्रांत हम लोग के यहाँ ये तीज काफ़ी मशहूर है, कहीं कहीं हरताल हरियाली तीज बोलता है सावन में, हम लोग के यहाँ वो नहीं चलता है। हम लोग के यहाँ यही वाला तीज जो है सो काफ़ी मशहूर है, हरतालिका व्रत भी इसको कहते हैं। तो दिन मान जो है सो 30 घटी 53 पल यानी कि 12.5 घंटा से कुछ कम दिन रहेगा, और गुरु वार तो आपको रह जाएगा 2400 घंटा है ना, एक सूर्योदय से अगला सूर्योदय तक, मैंने इसमें कमी लगभग नहीं होता है, बहुत महीने मत जाइए, लगभग वही सब है 2400 घंटा है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है अंतर, और काफ़ी महीन की बात छोड़ दिए। और गुरुवार हो गया, तृतीया तिथि का माँ रात्रि 2:13 पूरा दिन तीजे रह जाएगा, और रात के भी 2:15 तक लगभग तीज तिथि रह जाएगा। तो कथा पूजा को दिन रात चलता है चलेगा, और फिर अपना जैसा जिसका सुविधा हो अपना करें। हस्त नक्षत्र आपको दिन में 5:13 को समाप्त हो जाएगा, 5:15 के पहले। तो हस्त नक्षत्र में ही मैंने कि हुआ था ये कहानी, जब हुआ था तब हुआ था, और आज भी वो सब चीज़ मिल जाता है ना, लेकिन सब कुछ हर साल नहीं मिलता है, थोड़ा बहुत इधर उधर निश्चित होते रहता है। शुक्ल योग है जो कि रात्रि 12:20 तक रहेगा, उसके बाद ब्रह्म योग आ जाएगा। तो शुक्ल योग शुभ योग है, बढ़िया है, अच्छी बात है। ब्रह्म योग भी अच्छा है, योग है वो भी बढ़िया रहेगा। जो भी बच्चे इसमें जन्म लेते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं, शुक्ल वर्ण होते हैं, दोहरा रंग होता है, ब्रह्म योग ब्रह्म ज्ञानी होते हैं, ब्राह्मण होते हैं, अच्छे लोग होते हैं। तैतिल कर्ण हो जाएगा, राक्षस योगा हो जाएगा। तो शुक्ल योग में अर्धरात्रि में जन्म लेंगे, रात में राक्षस योग बना हुआ है, तो राक्षस योग में जो जन्म लेते हैं राक्षस योनि होते हैं, योनि विशेष करके देह योनि मनुष्य और राक्षस योनि आता है, और राक्षस योनि भी है, राक्षस योगा भी है, थोड़ा सा राक्षस वाला स्वभाव उनमें ज़्यादा हो जाएगा। राक्षस के तो मतलब लोग समझते हैं, लेकिन फिर भी राक्षस को तो होता है आहार निंद्रा भयम मैथुन, ये तो जीव का लक्षण हो गया, मदिरा मांस मैथुन और कल्ला, ये राक्षस का लक्षण, आहार निंद्रा भयम मैथुन ये जीव का लक्षण है, और मदिरा मांस मैथुन और कल्ला ये चार जो हैं सो राक्षस का लक्षण। तो जिस व्यक्ति में ये चार गुण की प्रधानता है समझे को राक्षस है, जिस घर में चार गुण की प्रधानता है वो घर राक्षस का है, जिस गांव में जिस देश में जिस समाज में चार गुणों की प्रधानता है उसे हम राक्षस कहते हैं ना, वो घर वो व्यक्ति राक्षस है, वो घर राक्षस है, वो समाज राक्षस है, वो गांव राक्षसों का है, वो देश और समाज राक्षसों का है ना। जिस तरह से आज बहुत सारे लोग और उसी को लोग राक्षस लोग अपना, तो जो जैसा है उसके लिए तो वही अच्छा होगा, तो राक्षस लोग तो ये कहेंगे कि यही धर्म है, यही अच्छा है, इसी के प्रचार होना चाहिए, सबको इसी को मानना चाहिए ज़बरदस्ती। पहले भी राक्षस लोग ऐसा करते हैं और आज भी राक्षस लोग ऐसा करते आ रहे हैं, इनको अधार्मिक कहते हैं, अधार्मिक कहते हैं। तो मदिरा का मतलब होता है शराब दारू बियर खूब पिए और मस्त रहे ना। तो मदिरा मांस मांसाहारी मुर्गी अंडा दारू तारी मांस मछली इत्यादि का भोजन ना खाए वही पिए वही, और रमन करते रहिए, मैथुन करते रहिए, कल घर में कलह करते रहिए, लड़ाई झगड़ा करते रहिए ना, यही धर्म है उनके लिए जो इस तरह का विचार करते हों है ना, और अपने आप को अच्छे मानते हैं, और सबको कहते हैं तुम लोग यही करो अनुभव देता। अंग्रेजी आपको हो गया 9 डेट, फसली हो गया 18 अष्टाविंशति, सूर्य के अनुसार 23 अष्टाविंशति नहीं अष्टादश हो गया, 18 का हो गया अष्टादश, और ये हो गया त्रयोविंशति,
तीन अभी तेईस और अष्टादश रास्त्र भी हो गया 18 एट। तुला राशि आज चंद्रमा आ जाएगा शाम के 4:36 पर भोर में, है ना। 56 58 पल दिया हुआ तो रात्रि 4:36 बाद में 4:36 बाद 4:30 भोर के बाद मैंने अगले दिन मान ले सकते हैं। 5 49 सूर्योदय 6 11 सूर्यास्त हो जाता है और हिजरे सन मुसलमान का मुँह सफ़र लिखवे किया है, मुस्लिम है तो मुस्लिम के सफ़र महीना हो गया हिजरे सन हो गया। हिजरे सन 1443 शुरू हुआ है माने इस्लाम का जन्म लिए हुए 1443 साल 1442 हो गया है, 1443 अब चल रहा है चलेगा। दूसरा हो गया और तेज हरतालिका व्रतम, है ना, पार्वती जी को स्त्रियाँ हार कर ले गई थी सखियाँ, इसलिए इसका नाम हरतालिका व्रत पड़ा है। तीज में 3 तिथि होता है। स्त्रियाँ नाम नित्यम कामच, माने स्त्री लोग अपने सौभाग्य की रक्षा के लिए पति के कल्याण के लिए कामना के लिए जो तीज व्रत करेंगे। बृहद गौरी व्रतम माने गौरी जी का उनकी पत्नी की भवानी का यह बहुत बड़ा व्रत है। गौरी तृतीया भी इसको नाम कहते हैं क्योंकि तृतीया तिथि इसमें गौरी जी की पूजा की प्रधानता है, इसीलिए इसका नाम गौरी तृतीया हो गया। उड़ीसा में इसको गौरी तृतीया के नाम से पूजा जाता है, हम लोग के यहाँ तीज व्रत के नाम से जाना जाता है, यह कालिका व्रत कहते हैं। वराह अवतार अपराहने मनवादी माने तीसरा पहर दोपहर के बाद वराह अवतार हुआ था भगवान विष्णु का, है ना, तो ये वराह अवतार का आज ही के दिन हुआ था, ये मनवादी तिथि हो गया, अवतार का दिन है इसलिए मनवादी तिथि हो गया। आलि भ्रीह त्यास्मात आलि भ्री हरि त्यास्मात तस्यात सा हरतालिका, हाँ वही बात हुआ जो हम बोल चुके हैं, संस्कृत दिया है। मंदार माला कृतिकाल काय शिव जी का स्तुति हुआ संक्षेप में है, नमः शिवाय करके है, इस मंत्र से पूजा किया जाएगा, है ना। हरतालिका व्रत कथा यूट्यूब पर मेरा दिया हुआ है आप देख सकते हैं। रवि योग आपको शाम 5:13 के बाद से आएगा और मुदई जयद योग शाम 5:13 तक ही रहेगा, यही आज का पंचांग है। और एक बात की आपको बतला देते हैं कि तीज पर चौथ नहीं है, है ना, शुद्ध तीज है, तीज व्रत करने कोई दिक्कत नहीं है कहीं से, और आज चंद्रमा देखने भी कोई दोष नहीं है क्योंकि आज चौथ नहीं है, चंद्र दर्शन निषेध आपको कल होगा, कल चौथ होगा, गणेश चौथ कल होगा और चंद्रमा देखने का दोष भी कल ही लगेगा, आज कोई दिक्कत नहीं है। जय श्री राम। तो शंकर दयाल मिश्रा नाम हो गया मेरा, बाएं साइड नीचे में अंग्रेजी लिखा हुआ है, दाहिने में इसी भी सब पैस करके लिखा हुआ है लाल अक्षर से है, तो छू करके उसको आप काला कर दें और यदि काला है तो छोड़ के दिए तो दिन वाला है ये है, और बाद में घंटी है ना बजाए हुए तो ठीक है, नहीं बजाए तो छोड़ दीजिए, यदि कर रहे हैं तो दोनों कर दीजिए, और कुछ कहना चाहते हैं तो कह दीजिए, जिसे लिखने के लिए कमेंट लिखने के लिए जगह दिया हुआ है, और दोस्तों को दिखाने के लिए शेयर कर दीजिए। जय हिंद जय भारत।